गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस सुमित गर्ग है और अपने चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स रिटर्न भरना एक बहुत ही सरल प्रोसीजर है। इनकम टैक्स रिटर्न ई इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पर जाके आप उसे कुछ ही स्टेप्स में फाइल कर सकते हैं। सिमिलरली टीडीएस रिटर्न भी एक ईजी टॉपिक है, लेकिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और अपनी फर्स्ट टीडीएस रिटर्न वो कैसे फाइल कर सकते हैं, किस पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या क्या डिटेल वहाँ पे फाइल करनी है, इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइक एप्लीकेशन ऑफ द पैन कार्ड, एप्लीकेशन ऑफ द टैन कार्ड इज नेसेसरी फॉर फाइलिंग द टीडीएस रिटर्न। आप देखेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम July 1, 2017 फीस फॉर टैन एप्लीकेशन हैज़ बीन चेंज टू ₹65। तो जस्ट ₹65 में आपको अपना टैन कार्ड मिल जाएगा। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे 49B जो फॉर्म रहता है उसको फिलअप करना है। बहुत ही सिंपल डिटेल्स इसमें फाइल करनी है। यहाँ पर आप 10NSDL की साइट पे देख सकते हैं, बहुत सिंपल एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। जस्ट इसका एक प्रिंट आउट निकाल कर आपको भेजना होता है। इनकेस आप DSC यूज़र नहीं हैं, आप नॉन DSC यूज़र्स हैं तो आपको प्रिंट आउट निकाल के भेजना होगा। अगर आप DSC यूज़र्स हैं तो उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप अपना अप्लाई 10 नंबर कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल्स के रिगार्डिंग दिखाता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ 10 में ये यहाँ पे एरिया कोड AO टाइप AO नंबर मांगेगा और जस्ट सिंपल डिटेल्स, नाम क्या है आपका, एड्रेस और जस्ट एग्जिस्टिंग 10 नंबर अगर कोई है तो वो, नहीं तो पैन नंबर, आपका पैन नंबर यहाँ पे बताना पड़ेगा। और आपको सिंपल जो पेमेंट है ₹65 की, आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और एक जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा, उस फॉर्म पे साइन करके आपको वो एक गिवन एड्रेस पर भेजना होगा। विद इन 3 डेज आपका 10 नंबर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है हमारा 10 नंबर अवेलेबल करवाना। जैसे ही आपको 10 नंबर मिल जाएगा, सेकंड स्टेप आपका रहता है रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी से अपनी रिटर्न को तैयार करना। तो वो आपको कहाँ पर मिलेगी, ये फ्रीली डाउनलोडेबल यूटिलिटी है। आपको जस्ट गूगल पे RPU टाइप करना है, 10NSDL.com की साइट खुल जाएगी। ETDS TCS RPU पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही TDS यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड RPU वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन उस टाइम का वर्जन रहेगा, अभी जैसे वर्जन 3.0 लेटेस्ट है, तो आपको वो डाउनलोड करना, यहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड उसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ वंस ये एक बार यूटिलिटी डाउनलोड हो जाती है। TDS रिटर्न फाइल करना बहुत ही सिंपल है। आप इस वीडियो को देखेंगे और अपना ईजिली फर्स्ट रिटर्न TDS की आप फाइल कर पाएंगे। जैसे ही आप अपने ये फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक पॉपअप आ जाएगा। अभी ये RPU 3.0 वर्जन है, आप इसे ओपन करेंगे तो ये फाइलें कुछ आपको विजिबल रहेंगी। ये फाइलें आपको तभी विजिबल होंगी जब आपने जावा डाउनलोड कर रखा है। जावा का लेटेस्ट वर्जन आपको गूगल से डाउनलोड करना पड़ेगा। अनटिल अदरवाइज आपने जावा का वर्जन डाउनलोड नहीं किया, ये फाइलें आपको विजिबल नहीं होंगी। इसमें ये फाइल रहेगी एग्जीक्यूटेबल जार फाइल, इस TDS TDS स्टैंड अलोन FVO 6.5 और TDS RPU 3.0 .jar फाइल। तो जैसे ही आप TDS RPU 3.0 .jar फाइल को ओपन करेंगे तो ये आपकी रिटर्न फाइलिंग की जो विंडो है इसे ओपन कर देगा, ये पॉपअप आएगा। इसके बाद ये रिटर्न फाइलिंग विंडो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है अपना। 24Q सैलरीड पर्सन के लिए होता है, 26Q नॉर्मल अदर देन सैलरीड पर्सन के लिए होता है, 27Q फॉरेन पेमेंट्स के लिए होता है जो कि आप नॉन रेजिडेंट की काटते हैं। तो हम 26Q की बात करते हैं इसमें। तो यहाँ पे दो तरीके की स्टेटमेंट आप फाइल कर सकते हैं, रेगुलर और करेक्शन। सबसे पहले हम फाइल करना बताएंगे रेगुलर, क्योंकि करेक्शन स्टेटमेंट क्या होता है कि आपको वहाँ से जब आप रिटर्न फाइल कर देते हैं कोई किसी तरीके की एरर आती है तो वहाँ से सिस्टम से एक कौनसो फाइल डाउनलोड करनी पड़ती है, उस कौनसो फाइल को यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा तभी आप उसमें करेक्शन कर पाएंगे। तो जैसे ही आप अपना 26Q सेलेक्ट करते हैं आपको करना है क्लिक टू कंटिन्यू। क्लिक टू कंटिन्यू करते ही आपको ये सारे पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट भरने हैं, अपना 10 नंबर भरना है, अपना परमानेंट अकाउंट नंबर भरना है, फाइनेंशियल ईयर, टाइप ऑफ डिडक्टर, इसमें आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है,
पर्टिकुलर्स ऑफ द डिडक्टर जो एम्प्लॉयर है, उसका नाम पता एड्रेस, ये सब जैसे ही आप फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है चालान की। फाइनेंशियल ईयर 2019-20, इंडिविजुअल, ये पहले फुल डिटेल भरनी पड़ेगी। ये नेक्स्ट फील्ड आती है आपकी चालान की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर चालान ऐड करने हैं। चालान ऐड करने के लिए यहाँ पे नीचे से ऐड रो का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। आप नंबर ऑफ रोज टू बी एडिड, जितने भी आपके चालान हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। लाइक 6 चालान मेरे हैं तो मैं यहाँ पे 6 चालान ऐड कर दूंगा। यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स अपनी चालान वाइज फिल करनी है। जैसे ही आप चालान वाइज अपनी डिटेल्स फिल कर देंगे, देन आपको डिडक्टिव डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी। डिडक्टिव डिटेल का भी सेम है, इंसर्ट रो करनी है आपको। जैसे चालान आपने 6 चालान ऐड किए हैं तो वो पूछेगा 1 नंबर के चालान में आपको कितने डिडक्टिव शो करने हैं, 2 नंबर के चालान में कितने डिडक्टिव शो करने हैं। तो आप इसे यहाँ पे 1 नंबर के में अगर 5 करने हैं, मैं ओके कर देता हूँ, तो ये 5 1 नंबर चालान के अंडर में 5 डिडक्टिव आपके ऐड कर देगा। तो आप पर्टिकुलरली जो आपके डेटा है उसको यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। जैसे ही आप डेटा को फिलअप कर लेंगे तो आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे सेव का बटन प्रेस करेंगे तो ये डेटा आपका सेव कर देगा। यहाँ पे ये पूछेगा कि कहाँ पर आपको ये डेटा सेव करना है, उस हिसाब से ये आपके डेटा को यहाँ पे सेव कर देगा। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा, आपको इनकम टैक्स की साइट पे अपना जाके DSC जो आपने 10 नंबर लिया है वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। इनकम टैक्स की कौन सी साइट पे आपको रजिस्टर करना है, तो इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in पे आपको जाना है। आपको इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जाना है। देयर आफ्टर आपको यहाँ पर अपना जो 10 नंबर है वो रजिस्टर्ड योर सेल्फ में रजिस्टर करना है। आपको यहाँ पर यूज़र टाइप में जब आप इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अब आपको यहाँ पर टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर के रूप में अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड करना है। तो यहाँ पर जो 10 नंबर है अब आपको डालना है अपना। जैसे आप अपना 10 नंबर डालेंगे, ये इनकम टैक्स के फॉर्म की तरह अपना डेटा आपसे मांग लेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, आपको क्या क्या आपका एड्रेस है, तो वो सारी डिटेल पैन नंबर ये यहाँ पे मांगेगा रजिस्टर करने पर, क्योंकि मेरा पहले से ही रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा लॉगिन करने का। मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन में आपको यूज़र आईडी मांगता है और पासवर्ड। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो डैशबोर्ड है ये आप बिल्कुल इनकम टैक्स की तरह आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जो फाइलिंग ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं, इनकम टैक्स वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर एक आपका कॉलम आता है TDS का, तो आप यहाँ पे देखेंगे अपलोड TDS की डिटेल्स आती हैं यहाँ पे। आपको FVU वर्जन सेलेक्ट करना है 6.5, जो भी यहाँ पे लेटेस्ट आएगा आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपने लेटेस्ट यूटिलिटी से डाउनलोड किया है तो वो RPU वर्जन इसी के अनेबल रहेगा। आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है, फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है कौन सा है, क्वार्टरली सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपलोड टाइप में आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर है या करेक्शन है। तो रेगुलर करके आप वैलिडेट कर देंगे
तो यहाँ पर ये अपलोड tds.zip फाइल अपलोड करने के लिए कहता है। तो जो फाइल आपकी उस सॉफ्टवेयर से जनरेट हुई थी आपको उसे जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर लेना है, और यहाँ पर चूज करके क्लिक हेयर टू ई वेरीफाई करके उसे अपलोड कर देना है। तो इस हिसाब से आपकी TDS रिटर्न फाइल हो जाएगी, और जो फाइल रिटर्न है आप यहाँ से व्यू फाइल TDS रिटर्न से देख सकते हैं। जब आपकी ये TDS रिटर्न जब आपने फाइल कर दी, 2 दिन का इंतज़ार के दिए, 2 दिन के बाद ये प्रोसेस हो जाएगी। 2 दिन के बाद प्रोसेस होने के बाद आप tdscpc.gov.in पे जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है, आप यहाँ पे रजिस्टर्ड एज ए न्यू यूज़र करेंगे डिडक्टर। जब तक आपकी पहली रिटर्न वेरीफाई प्रोसेस नहीं हो जाती, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जब तक आपकी पहली रिटर्न प्रोसेस नहीं हो जाती आप यहाँ पे ट्रेसेस के साइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 दिन का इंतज़ार करना होगा। जैसे ही आप 2 दिन का इंतज़ार करेंगे आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाती है तो आप यहाँ पर इसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और यहाँ से आपके फॉर्म 16, आप जो फॉर्म 16 है, 16A है, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको दी गई जानकारी पूरी तरीके से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।